इस एक्ट्रेस को लेकर बनाए गए हैं सबसे ज्यादा रेप सीन्स। इस उम्र में ही हुई थी दर्दनाक मौत। वैसे तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री काफी ज्यादा बड़ी है और आए दिन इस इंडस्ट्री में किसी न किसी नए कलाकार की एंट्री भी होती रहती है और एग्जिट भी। हमारे बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कलाकार और निर्माता निर्देशक भी है जो समय समय पर एक से बढ़कर एक फिल्में बनाते हैं। जी मसे से कई समाज में एक बढ़िया संदेश देती है तो कई दर्शकों का मनोरंजन करती है। बॉलीवुड में समय समय पर हर किस्म की फिल्म बनाई जाती है और देखा जाए तो एक तरह से फिल्म हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है। इनमें से बहुत सारी फिल्में समाज में हो रहे समस्याओं को दिखाती हैं। आपको बता दें कि यह बात करीब 1960-70 के दशक की है जब महिलाओं पर बहुत अत्याचार और अन्याय होते थे। रेप और घरेलू उत्पीड़न जैसे कई मामले बार बार सामने आ रहे थे। इसी दौर में बहुत ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ जिसमें औरत की पीड़ा को दर्शाया गया है। फिल्मों में रेप सीन डालना आम सी बात थी, पर क्या आप जानते हैं कि रेप सीन्स सबसे ज्यादा एक ट्रेस नजीमा पर शूट किए गए हैं। नजीमा को मुख्य तौर पर एक्टर की बहन या एक ट्रेस की सहेली का रोल मिलता था। हालांकि उनकी खूबसूरती की वजह से दर्शक उन्हें इन रोल्स में काफी ज्यादा पसंद करते थे। ज्यादातर उन्हें मुख्य रूप से साइड रोल ही दिया जाता था ताकि उन पर ये सीन्स फिल्माए जा सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नजीमा का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में 1948 में हुआ था। बचपन से ही उनका पूरा रुझान फिल्मों की ओर ही था। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में कई फिल्मों में काम किया है। बेबी, चांद, हम पंछी, एक डाल जैसी उनकी कुछ फिल्में हैं जिस पर उन्होंने दमदार अभिनय का प्रदर्शन किया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि करीब 1960-70 के दशक में फिल्मों में रेप सीन को बहुत ज्यादा महत्व मिलता था। कई बार पूरी फिल्म की कहानी ही रेप पर आधारित होती थी और सबसे खास बात तो ये है कि ऐसी सभी फिल्मों के लिए निर्देशकों की पहली चॉइस नजीमा ही होती थी। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा रेप सीन की वजह से ये अदाकारा सभी निर्देशकों की सबसे पहली पसंद थी और इसी वजह से लोग उन्हें रेप की रानी भी कहने लगे थे। अगर उन फिल्मों की बात करें जिनमें नजीमा ने काम किया है तो निशान 1965, राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म आरज़ू 1965, दिलगी 1966, तमन्ना 1969, अनजाना 1969 जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ है। बताना चाहेंगे कि 1972 में उन्होंने फिल्म बेईमान में एक्टर मनोज कुमार के साथ शानदार अभिनय किया था और इस फिल्म में उनके जबरदस्त अभिनय की वजह से उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। उनकी आखिरी फिल्म लव एंड गॉड थी जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। बता दें कि 1975 में कैंसर की वजह से मेघाज 27 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई और इस तरह से हमारी बॉलीवुड की एक नामी अदाकारा हम सभी को छोड़कर चली गईं।